Good morning class. This is our new pharmacology class in which today we will study about the drug tetracycline. Actually, tetracycline is the last topic of our antibiotic chapter. हालांकि हम tetracycline जो है पहले भी पढ़ चुके हैं antibiotic में, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, दो बार पढ़ा चुकी हूँ इस topic को. फिर भी मैंने अभी ये अलग से इसलिए लिया है क्योंकि इसके ऊपर अलग से question आता है. इसके अलावा सल्फोनामाइड जो हमने पहले पढ़ी थी उसके ऊपर क्वेश्चन अलग से आया हुआ है. पेनिसिलिन के ऊपर भी आपके क्वेश्चन आया हुआ है, पर पेनिसिलिन को हम ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं तो वो मेरे अकॉर्डिंग आपके पास सफिशिएंट उसके मैटर है पढ़ने के लिए और एग्ज़ाम में लिखने के लिए, तो उसको मैं आपको अलग से नहीं बताऊँगी. पर टेट्रासाइक्लिन का थोड़ा सा मैटर पहले मैंने आपको कम दिया था और क्योंकि इस पर अलग से क्वेश्चन आया हुआ है तो फिर इसको, इसका सफिशिएंट मैटर आपके पास होना ज़रूरी है, इसलिए हम जो है टेट्रासाइक्लिन को आज लास्ट टाइम वापस से पढ़ लेते हैं, थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि आपको किसी भी तरह के एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए आंसर लिखने के लिए. तो इसके अंदर देख लीजिए ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कौन से स्पेक्ट्रम की एक्टिविटी दिखाता है, रेजिस्टेंस कैसा है, फार्माकोकाइनेटिक्स कैसी है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, एडवर्स क्या रिएक्शन दिखाती है, कैसे यूज़ करना है, ड्रग का इंटरेक्शन क्या है, इसको कैसे स्टोर हम कर सकते हैं. तो ये सारे टॉपिक्स हम इस कैटेगरी के अंदर पढ़ेंगे. देखिए सबसे पहले टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक की एक क्लास है. यह ऐसा केमिकल सबस्टांसेस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होकर के दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को किल करने की एबिलिटी रखता है. मतलब ये कैसा है, ये बैक्टीरियोसाइडल एक्शन रखती है ये ड्रग. पर पर्सन या एनिमल या प्लांट में किसी भी तरह कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं दिखाती है उसको. मतलब जो पर्सन ले रहा है, जिस इंडिविजुअल को हम दे रहे हैं या जिस ऑर्गेनिज़म को हम दे रहे हैं उसके ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालेगी, सीधा ये बैक्टीरिया को किल करेगी. टेट्रासाइक्लिन को सबसे पहले हमने बैक्टीरिया से ही डिराइव किया था. कौन से बैक्टीरिया से? स्ट्रेप्टोमाइसिस कोली कलर से हमने डिराइव किया था. 1940 में इसके डिस्कवरी हुई थी इस ड्रग की. दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. दे क्लासिफाइड शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग एंड लॉन्ग एक्टिंग ड्रग. Short acting drug shows their half-life from 6 to 8 hours, while intermediate have 12 hours half-life and long active has 16 or more than 16 hours half-life. Short acting drugs contain tetracycline and oxytetracycline, while intermediate acting drug has damiclocyclines and methacycline, while long acting contains doxycycline and मीनोसाइक्लिन ड्रग्स. तो ये इनका क्लासिफिकेशन है टेट्रासाइक्लिन का. ये टेट्रासाइक्लिन के आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको याद करने की, एग्ज़ाम में बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सही आपको याद रहती नहीं है और गलत बना करके इम्प्रेशन गलत डालना सही नहीं है. इम्प्रेशन डालने के चक्कर में आप ऐसा नहीं है कि ड्रग की स्ट्रक्चर बनानी शुरू कर दो क्योंकि नहीं याद रहेगी अपन को. सीधी बात है, स्ट्रक्चर याद रखने का काम जो है वो फार्मासिस्ट का होता है, अपन नहीं है फार्मासिस्ट तो हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप देख लीजिए, नॉलेज के लिए ज़रूरी है. अब टेट्रासाइक्लिन जो है बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है स्पेसिफिकली, मतलब स्पेसिफिकली प्रोटीन पर ही इसका एक्शन दिखाएगा. क्योंकि प्रोटीन कहाँ से बनता है भाई? राइबोसोम से बनता है. राइबोसोम में दो यूनिट्स होती है बैक्टीरिया के अंदर, 30S और 50S, और टेट्रासाइक्लिन जो है वो 30S राइबोसोमल सब यूनिट पर बाइंड करता है. ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, जिससे कि अमाइनो एसाइल का बाइंडिंग टीआरएनए पर हो नहीं पाता है और फिर मैसेंजर आरएनए राइबोसोम का जो कॉम्प्लेक्स है वो बन नहीं पाएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा. तो इस तरह से टेट्रासाइक्लिन होस्ट में प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, बट आर लेस लाइकली टू रीच द कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड बिकॉज यूकेरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव अ टेट्रासाइक्लिन अपटेक मैकेनिज्म. हालांकि ये हॉस्ट में भी ऐसा कर रहा है, पर इसका ज़्यादा नुकसान क्यों नहीं होता? क्योंकि
यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर टेट्रासाइक्लिन के अपटे का कोई मैकेनिज्म होता ही नहीं है, इसलिए ये होस्ट पे नुकसान नहीं करता, केवल बैक्टीरिया पे नुकसान करता है। तो जो हम बात बोल रहे हैं वो इस तरह से देखो दर्शाई गई है, ये राइबोसोम की स्ट्रक्चर बताई गई है, ये टेट्रासाइक्लिन के 30S सब यूनिट के ऊपर बाइंड हो गया, क्रोमोफेनिकॉल कैसे असर दिखा रही है टीआरएनए पे, इराइथ्रोमाइसिन कहाँ पर एक्ट करके असर दिखा रही है, टेट्रासाइक्लिन कहाँ असर कर रही है और स्ट्रेप्टोमाइसिन कहाँ असर कर रही है, वो डायग्राम में दिखाया गया है। देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन यहाँ पर, ये टेट्रासाइक्लिन की लोकेशन है, ये इराइथ्रोमाइसिन की लोकेशन है, और ये जो लोकेशन है ये है हमारे क्लोरामफेनिकॉल ड्रग की लोकेशन। तो किस किस जगह पर एक्ट कौन कौन सी ड्रग कर रही है, क्लोरामफेनिकॉल 50S राइबोसोमल आरएनए पर जो करके पेप्टाइड बॉन्ड को रोक रही है, इराइथ्रोमाइसिन 50S आरएनए पे जुड़ करके मैसेंजर आरएनए के अलोंग मूवमेंट को जो है वो रोक देती है, उसने तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को रोका था क्लोरामफेनिकॉल ने, इराइथ्रोमाइसिन ने मैसेंजर आरएनए पर मूवमेंट को रोक दिया 50S आरएनए के, टेट्रासाइक्लिन 30S पर बाइंड हो रही है, एंटीकोडोन रीडिंग को रोक रही है मैसेंजर आरएनए के, स्ट्रेप्टोमाइसिन 30S की शेप को चेंज कर देता है 30S राइबोसोमल आरएनए की, जिससे कि मैसेंजर आरएनए जो है वो करेक्टली रीड कर नहीं पाता है। तो इस तरह से ड्रग्स अपना अपना एक्शन दिखा रही है। तो ये वाला डायग्राम आप क्लोराम फेनिकॉल राइथ्रोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन में भी बना सकते हैं अगर क्वेश्चन आता है तो। अब स्पेक्ट्रम देखिए भाई, टेट्रासाइक्लिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक है, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया, उसके अलावा स्पायरोकिट जिससे कि सिफिलिस होता है ट्रिपोनेमा पैलेडियम वाला स्पायरोकिट, माइकोप्लाज्मा जो कि निमोनी ये स्पीसीज अपन उसमें पढ़ते हैं निमोनिया कॉज करता है, रिक्शी और क्लेमाइडी, इन सभी बैक्टीरिया उस पर असर दिखा रहा है, इसका मतलब ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक है। रेजिस्टेंस भाई कैसे होता है, तो तीन मैकेनिज्म है, एंजाइमेटिक इफ्लक्स रेजिस्टेंस राइबोसोमल प्रोटेक्शन, एंजाइमेटिक इफ्लक्स रेजिस्टेंस और राइबोसोमल प्रोटेक्शन। एंजाइमेटिक रेयरेस्ट टाइप है रेजिस्टेंस का, जब एसिटाइल ग्रुप ऐड होता है मॉलिक्यूल से और ड्रग को इनएक्टिवेट कर देता है, इसको अपन एंजाइमेटिक मैकेनिज्म कहते हैं। क्या हुआ था इसके अंदर कि एसिटाइल ग्रुप जो है मॉलिक्यूल पे ऐड होता है, ड्रग का इनएक्टिवेशन कर देता है। इफ्लक्स रेजिस्टेंस जीन कोड है, जीन कोड्स करता है मेम्ब्रेन प्रोटीन पर और टेट्रासाइक्लिन को सेल से बाहर फेंक दिया जाता है। इफ्लक्स पंप होता ही वही पंप है कि किसी भी ड्रग को ये पाया जाता है कहाँ पर, सेल मेम्ब्रेन में, और कोई भी ड्रग होती है उसको सेल के बाहर फेंक देता है, तो ड्रग बेचारी असर नहीं दिखा पाती। और राइबोसोमल प्रोटेक्शन में टेट्रासाइक्लिन विच ब्लॉकिंग टेट्रासाइक्लिन फ्रॉम बाइंडिंग टू द राइबोसोम, टेट्रासाइक्लिन को राइबोसोम पर बाइंड नहीं होने दे रहा होता, ये राइबोसोमल प्रोटेक्शन है। ये फार्माकोकाइनेटिक के ड्रग की डोज एडमिनिस्टर करिए वो एब्जॉर्ब हो गई, ड्रग कंसंट्रेशन हुई सिस्टमिक सर्कुलेशन में, डिस्ट्रीब्यूट होकर के टिश्यूज वगैरह में गई, ये तो फार्माकोकाइनेटिक्स है, और एलिमिनेट हो गई मेटाबोलाइज होकर के एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ड्रग कंसंट्रेशन वहाँ पर भी होती जहाँ पर आपने जहाँ जहाँ पर उसको साइट ऑफ उसका जो एक्शन है, फिर वो फार्माकोलॉजिक इसका इफेक्ट होगा, क्लिनिकल रिस्पॉन्स होगा, टॉक्सिसिटी और एफिकेसी होगी, ये फार्माकोडायनेमिक्स है। एक्शन ऑफ द बॉडी ऑन द ड्रग आर कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस, याद कर लीजिए यहाँ पर डेफिनेशंस भी दी हुई हैं कि बॉडी का एक्शन जो ड्रग पर होता है उसको फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस कहते हैं। फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस के अंदर एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन एलिमिनेशन होता है ड्रग्स का, बस ये बहुत ज़रूरी है जिससे हमें पता चलता है चॉइस में कि हमें कौन सी पर्टिकुलर ड्रग लेनी है और किस तरह से उसको एडमिनिस्टर करना है पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर। रीनल फंक्शन अगर एक बार हो रहा है तो क्या हमें ध्यान रखना है, तो वो सब चीज़ें इससे पता चलती है। फार्माकोकाइनेटिक्स में ओरल एब्जॉर्प्शन होता है क्लोराटेट्रासाइक्लिन का 30% तक, टेट्रासाइक्लिन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और डेमिक्लोसाइक्लिन और मीथासाइक्लिन का 60-70% तक, डॉक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन का 95-100% तक ओरल एब्जॉर्प्शन होता है। ये फूड से इम्पेयर्ड हो जाता है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स एंटा एसिड्स वगैरह के साथ में इसका एब्जॉर्प्शन इम्पेयर्ड हो जाएगा। इंट्रावीनस एडमिनिस्टर्ड करोगे तो बफर्ड सॉल्यूशन बना रहता है, बफर्ड हो जाता है ये 40-80% ये सीरम प्रोटीन के साथ में बाउंड होता है। इसके अलावा देखो टेट्रासाइक्लिन जब ली गई है तो किलेशन
कैल्शियम एल्यूमिनियम के किलेशन से इनएक्टिवेट हो जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन करती है, यहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा है इसका, एंटीबायोटिक इफेक्ट दिखा रहा है, ये गट के फ्लोरा के ऊपर वो डायग्राम में बताई गई चीज़ें हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओरल कैप्सूल ले सकते हो डोजेस फॉर्म में, जिसमें टेट्रासाइक्लिन डोजेस फॉर्म में ओरल कैप्सूल के रूप में दी जाती है। कैप्सूल आधे आधे घंटे, आधे घंटा पहले या 2 घंटे बाद लेना है खाना खाने से। आईएम रूट नहीं दी जाती है इसकी कभी भी। एडवर्स रिएक्शन क्या है इसका? ये सारे एडवर्स रिएक्शन है, जी पे छाले हो जाते हैं, स्टोमेटाइटिस, नोजिया रहने लगता है, लगे वॉमिटिंग हो रही है, एरिडेमेटस रैशेस देखो स्किन के ऊपर, लाल लाल से चकते पड़ गए हैं, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस देखिए स्किन उतर रही है स्किन की, नेजल डिसकलरेशन देखिए कैसे पीले पड़ गए हैं, पेल कलर के हो गए हैं, फोटो सेंसिटिविटी, झाइयाँ पड़ गई हैं, हेडेक रहने लगता है और सोर थ्रॉट, गला ख़राब हो जाता है। ये सारे एडवर्स रिएक्शन है टेट्रासाइक्लिन के। अब यूज़ क्या हैं टेट्रासाइक्लिन के? तो हम वाइड वैरायटी के इन्फेक्शंस में इसका यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एक्ने ही क्यों ना हो। स्किन पे, चेहरे पे एक्नेज हो जाते हैं यंग पर्सन्स के अंदर, यंगस्टर्स काफ़ी इस तरह की शिकायत करते हुए पाए जा रहे होते हैं। तो ये एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकती है, और एक्नेज जो है वो बैक्टीरिया से जुड़ी हुई चीज़ है। फुंसियाँ जब ख़राब हो जाती है, बिगड़ जाती है, उसका बिगड़ा हुआ रूप एक्नेज होता है। इसके अलावा वेनेरियल डिजीज़, क्योंकि हमने स्पायरोकेट में इसका नाम लिया तो सिफिलिस एक वेनेरियल डिजीज़ है, उसमें आप इसको ले सकते हैं। एटिपिकल न्यूमोनिया, क्योंकि मैंने माइकोप्लाज्मा का नाम लिया था कि माइकोप्लाज्मा के अगेंस्ट भी ये बहुत अच्छा स्पेक्ट्रम शो करती है। कोलेरा में दे सकते हो, रिलैप्सिंग फीवर में दे सकते हो, रिक्शन इन्फेक्शन या कोई प्लैग वगैरह के अंदर भी इसको दिया जा सकता है। अब ड्रग इंटरैक्शन, टेट्रासाइक्लिन जो है वो इंटरैक्ट करती है दूसरी मेडिसिंस के साथ में, एक या ज़्यादा ड्रग्स के साथ में दिया जाए तो इसके इफ़ेक्ट जो है वो चेंज हो जाता है और साइड इफ़ेक्ट बढ़ जाता है इसका। कैल्शियम सप्लीमेंट्स के साथ में दे सकते हो, मिनरल सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन के साथ में, कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग ड्रग्स के साथ में और पेनिसिलिन कंपाउंड्स के साथ में इसको दिया जा सकता है। स्टोरेज 68 से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, यानी रूम टेम्परेचर पर इसको रखा जा सकता है। हीट, मॉइस्चर और लाइट से इसको दूर रखना चाहिए। इसके साथ में आपका टेट्रासाइक्लिन नाम का टॉपिक ख़त्म हो गया। इतना सफिशिएंट एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है, और कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू।